Let us talk about the concept of induced electric field. अगर किसी लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द फैराडेज लॉ. लेकिन फैराडेज लॉ इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के प्रोडक्शन का कारण नहीं बताता है. व्हाट इज द रीजन व्हाई ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द लूप, ये फैराडेज लॉ नहीं बताता है. One of the reasons why induced EMF is produced is emotional EMF, and another one is induced electric field. So today we are going to talk about the induced electric field. So let us now talk about it. So induced electric field bhi ek electric field hota hai. This is a type of electric field. First thing, this electric field can also exert force on the charged particles, electrons पे, protons पे, ये electric field भी force लगा सकता है. But it is quite different from the electric field that you have studied till now in the chapter electrostats. Electrostats में जो electric field के बारे में आपने पढ़ा है, उससे इस electric field का properties कुछ different होता है. तो आइए पहले बात करते हैं कि how induced electric field is produced. सबसे पहले बात करते हैं कि इसका प्रोडक्शन कैसे होता है. तो इसके प्रोडक्शन को समझने के लिए लेट अस टेक ए रिंग, मेटेलिक रिंग और एक कंडक्टिंग लूप. एक कंडक्टिंग लूप ले लेते हैं हम. नाउ टेल मी कि इस कंडक्टिंग लूप में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, आर दे एट रेस्ट इन और इन मोशन? हियर वी आर नेग्लेक्टिंग द रैंडम मोशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. सो इट इज वाई we will assume that all the free electrons in this ring, in this metallic conductor, is at rest. अब दूसरा step ये है यहाँ पर कि आप यहाँ पर एक magnetic field को, changing magnetic field को switch on कर दीजिए इस region में, इस पूरे region में. Due to changing magnetic field, इस loop से magnetic flux change करेगा. मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल्स टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए. एंड ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इस लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. और इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण इस लूप में करंट प्रोड्यूस होगा. और करंट के कारण जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट में थे, वो अब मूव करेंगे इस लूप में. तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट से मोशन में आ गया, इसके लिए एक फोर्स की जरूरत है. कैन मैग्नेटिक फील्ड डू इट? कैन मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्ट फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट? कैन मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्ट फोर्स ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रेस्ट? हियर आंसर इज नो. मैग्नेटिक फोर्स नेवर एग्जर्ट फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट. सो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रेस्ट से मोशन में ला सकता है. इलेक्ट्रिक फील्ड कैन एग्जर्ट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल्स एट रेस्ट. सो यहाँ पर हम कंक्लूड करेंगे कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है. एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोडक्शन का कारण क्या है? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, स्टेटमेंट इज Due to changing magnetic field, induced electric field is produced. Induced electric field is produced. देखिए यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज करेगा किसी रीजन में, तो वहाँ पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा. तो दिस इज द कंडीशन. चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज द कंडीशन फॉर द नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अगर यहाँ पर कंडक्टर हो चाहे नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जिस रीजन में भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, उस रीजन में
इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा अगर उस रीजन में एक चार्ज पार्टिकल है जहां पर कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा ड्यू टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर उस रीजन में एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में अगर आप एक कंडक्टिंग लूप को रख देते हो, तो उस कंडक्टिंग लूप के भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट देयर, और जिसके कारण कि करंट फ्लो हो सकता है। लेट अस नाउ टॉक अबाउट सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इसके लिए हम एक यहाँ पर एक रिंग ले लेते हैं, एक मेटेलिक रिंग, एक कंडक्टिंग लूप ले लीजिए, एक सर्कुलर मेटेलिक रिंग ले लीजिए। नाउ अब यहाँ पर आप एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑन कीजिए इन ए सिलेंड्रिकल रीजन। एक सिलेंड्रिकल रीजन में आप एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप कीजिए। नाउ यहां पर जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है डेट इज इंक्रीजिंग, बी हियर इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड यूनिफॉर्म एंड ऑल्सो यूनिफॉर्म। देखिए इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये जो रिंग है, दिस इज द रिंग, इस मेटेलिक रिंग से मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा इनसाइड द इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। सो ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस्ड इन द रिंग, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा और जिसके कारण इंड्यूस्ड करंट भी प्रोड्यूस होगा इस रिंग में, इस मेटेलिक रिंग में। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ आप इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन अपोज करेगा दिस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को। तो इसके लिए इंड्यूस्ड करंट कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होगा इस लूप में, सो डैट कि इंड्यूस्ड करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउट ऑफ द प्लेन होगा। तो कुछ इस तरह से इंड्यूस्ड करंट इस लूप में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब है कि देयर मस्ट बी इलेक्ट्रिक फील्ड हियर इन दिस डायरेक्शन, इन इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा यहाँ पर। उसी तरह से यहाँ पर भी एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंशियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को आप बता सकते हैं। वंस यू नो द डायरेक्शन ऑफ द करंट, आप किसी भी पॉइंट पर इस लूप में, इस रिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप बता सकते हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अगर सभी पॉइंट्स को आप मिला दो तो यू विल गेट ए सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है, आर मेकिंग क्लोज लूप, सर्कुलर लूप। इस एग्जाम्पल में यू आर से यू सी डैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स लाइन्स फॉर्म क्लोज लूप। इस एग्जाम्पल में आपने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर आप सभी पॉइंट्स को मिला दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक क्लोज लूप बना रहा है। अगेन दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डेट यू हैव स्टडीड इन द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टेट्स, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्लोज लूप नहीं बनाता है। यहाँ पर आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट बी कंजर्वेटिव हियर। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दे आर नॉट कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कंजर्वेटिव हियर। Since they are forming closed loop, Faraday's law will still be valid. तो Faraday's law से आप इस loop में कितना EMF produce हो रहा है वो आप पता कर सकते हैं। According to Faraday's law, induced EMF will be
equals to minus d phi by dt। यहाँ पर आप अगर वेक्टर E और dl वेक्टर में, यहाँ पर आप स्मॉल dl वेक्टर ले लें, इस लूप को आप dl वेक्टर्स में अगर आप ब्रेक कर दें तो फिर यहाँ पर आप E डॉट dl से भी वेक्टर E डॉट dl वेक्टर dl विल गिव यू इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड हियर। सो टोटल आपको EMF अगर निकालना है इस पूरे लूप में तो व्हाट यू विल डू इज यू विल फाइंड आउट द लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर dl इन द होल लूप, दिस विल गिव यू EMF। केवल वेक्टर E डॉट dl क्या है, आपको इस dl में जो EMF प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पर dl वेक्टर इज ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द लूप एंड वेक्टर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन dl वेक्टर, और वेक्टर E डॉट वेक्टर dl आपको बता रहा है इंड्यूस्ड EMF इन द dl लेंथ में जो EMF इंड्यूस हुआ वो बता रहा है। तो आपको पूरे लूप में अगर आपको EMF निकालना है तो उसके लिए आपको वेक्टर E डॉट dl को आपको इंटीग्रेट करना होगा इन द टोटल होल लूप। सो दीज टू कैन बी इक्वेटेड, सो यू गेट वेक्टर E डॉट dl का इंटीग्रेशन इन द क्लोज लूप इक्वल्स टू माइनस d phi बाय dt।